Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 18th April. आज 18th अप्रैल है यानी कि संडे. संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे. आज के इस वीडियो में 85 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले जो आपका बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट होगा. तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम ऑन योर टेलीग्राम ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए. PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा. तो फिर शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. वेल संडे को आज के कुछ हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे. बाकी एज यू नो कि हम संडे को हमने रिजर्व रखे फॉर योर रिविजन. बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे कल MCQ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे. सबसे पहले आज के कुछ करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं. वर्ल्ड हेम्योफीलिया डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 17th अप्रैल को. हेम्योफीलिया बेसिकली एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है. तो 17th अप्रैल को ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इस बारे का जो थीम था अडॉप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन न्यू वर्ल्ड. तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा फर्स्ट. सेकंड आपके लिए फॉर्मर CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पास्ड अवे. तो इनका निधन हो गया. राइट नाउ CBI के इंटरिम जो चीफ अपॉइंट किए गए परवीन सिन्हा वो आप याद रख लीजिएगा. उसके बाद थर्ड है जी द मराठी फिल्म पुगल्या हैज़ वॉन बेस्ट फॉरन फिल्म फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. तो पुगल्या इस मूवी का नाम याद रख लीजिएगा. मराठी फिल्म है एंड इसे डायरेक्ट किया है विनोद सैम पीटर द्वारा. तो ये आप नाम याद रखिए. नेक्स्ट वन है आपका इंडिया है साइंड स्पेस एग्रीमेंट फॉर गगनयान मिशन जो हमारा 2022 को जो हमने इसे लॉन्च करना है. तो इसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ. जो हमारे फिजिशियंस होंगे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स की मेडिकल चेकअप वगैरह करेंगे तो उनको ट्रेन करने के लिए हमारा फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ ये आप ध्यान रख लीजिए. संजय यादव जो बने हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट. एंड उत्तर प्रदेश ने ही ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड 2021 का जीता. लास्ट ईयर 2020 का हिमाचल प्रदेश ने जीता था वो अपने ध्यान रखना है. एंड इस साल 2021 का UP ने जीता. ओके सो गाइस देखो इसमें मैंने अभी जस्ट 5 to 6 क्वेश्चन ही लिए. बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन तो आपको कल ही मिल जाएंगे. बट आप शुरू करते हैं आज का रिविजन. गाइस आप खुद कोशिश कीजिए बताने की. टेस्ट फॉर्मेट में लीजिए वीडियो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऑन विच डे नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है. कस्तूरबा गांधी जी का इस दिन जन्मदिवस होता है. कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था 11th अप्रैल 1869. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 11th अप्रैल. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव प्राइम नरेंद्र मोदी ने सारी स्टेट से अर्ज किया. इसे लॉन्च किया गया था बेसिकली 11 से लेकर 14th अप्रैल तक. एक इनिशिएटिव था टू प्रमोट वैक्सीनेशन. सो नेम ऑफ दिस लाइक जो इनिशिएटिव था इसका नाम था टीका उत्सव. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. RBI in its monetary policy of report has projected India's GDP rate at 1% for the financial year 21-22. तो RBI का जो projection है वो है जी 10.5%. Next one is which country hosts the first meeting of BRICS finance minister and central bank governors. तो इस कौन सी कंट्री ने होस्ट किया ये आपने बताना है. तो इसे होस्ट किया जी हमारे इंडिया ने. Who has been appointed as a new Home Minister of Maharashtra? Maharashtra के नए Home Minister कौन बने? Exactly, option number D, Dilip Valse Patil is the correct answer for this question. Which of the following institution has decided to publish the Financial Inclusion Index? Correct answer for this question is RBI. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new Magistrate Court building with India's assistance in which country? Correct answer for this question is Seychelles. Okay, Prime Minister Narendra Modi dwara ise launch karenge basically translation of the book Odisha Itihas. To aapko ye batana hai ki Odisha Itihas ke original author kaun hai ye aapne batana. Correct answer for this question is Hari Krishna Mahtab is the correct answer for this question. नेक्स्ट वन इज नेम द एथलीट हु विल रिसीव छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड. शी इज फ्रॉम उड़ीसा. हर नेम इज द्युति चंद. एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च विच इनिशिएटिव टू हेल्प
in the implementation of the national education policy in the country. So you have to like guess the name of the initiative. Correct answer for this question is Sarthak. FIFA recently suspended the Football Federation of which two countries? Correct answer for this question is Pakistan and Chad. And guys, आप खुद कोशिश कीजिए बताने की. Basically आज आप टेस्ट ही समझ लीजिए आपका. इससे होगा क्या कि आपके करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे. विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द कैंपेन क्रशिंग द कर्व, COVID-19 कर्व को क्रश करने के लिए कैंपेन क्रशिंग द कर्व, इसे लॉन्च किया है केरल ने. विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड एज हेड कोच ऑफ अमेरिकन मैंस हॉकी टीम. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हरेंद्र सिंह. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. 14th क्वेश्चन हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द कंट्री, हु हैज बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ 4000 अदर एप्लीकेंट्स इन द UAE. फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है इस कंट्री की. हर नेम इज नोरा अल मतरोशी. वेरी इंपॉर्टेंट. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज लॉन्च लैब ऑन व्हील इनिशिएटिव. न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. ओके, एज पर द रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, हमारा जो हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं कितना डिक्लाइन हुआ है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक. 9.1%. विच स्टेट अपॉइंट सोनू सूद एज अ स्टेट वैक्सीनेशन एम्बेसडर. पंजाब इज द करेक्ट आंसर. द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर से कौन सी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया इज द करेक्ट आंसर. इंडिया हैज गिफ्टेड ए फास्ट पेट्रोल वेसल PS ज़ोरोस्टर जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है, तो कौन सी कंट्री को गिफ्ट दिया है? साइचिल्स इज द करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे. यूरी गैग्रिन फर्स्ट बने थे जो स्पेस पहुंचे थे फर्स्ट, सो 12 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर. 12 अप्रैल 1961 जो यूरी गैग्रिन फर्स्ट बने थे रशिया के. यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन इन विच स्टेट और यूटी. जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इन द कंट्री इन इंडिया टू क्रॉस द 5 lakh crore एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. SBI म्यूचुअल फंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, इंडियन आर्मी के हमारे भारत पानू, इन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए रिसेंटली. अभी इन्होंने जो एक रिकॉर्ड दर्ज किया जिन्हें ही साइकिल्ड 5,942 किलोमीटर लॉन्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट जो कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता को 14 days 23 hours एंड 52 minutes में इन्होंने कवर किया. इससे पहले भी इन्होंने ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका जो नाम दर्ज हुआ था जो ले से मनाली तक इन्होंने डिस्टेंस कवर किया था 35 hours 25 minutes में. तो नाम आप याद रख लीजिएगा, भारत पन्नू इम्पोर्टेंट है. ओके, ओहू मोदू महामेदु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो ये बने हैं नाइजर के न्यू प्राइम मिनिस्टर. ओके, फ्लिपकार्ट विल सेटअप एशियाज लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन विच इंडियन स्टेट. तो ये सेटअप होगा हरियाणा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. हर नेम इज पूनम गुप्ता. संजय चक्रवर्ती पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू लेजेंडरी कोच थे, शूटिंग कोच थे. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स? मार्क रूटी इज द करेक्ट आंसर. एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 पब्लिश हुई है एंड फर्स्ट 3 रैंकिंग आप याद रख लीजिए. इंडिया का हम 100 में भी अपना पोजीशन नहीं बना पाए, हमारा पोजीशन आया 501 से लेकर 600 के बिटवीन. एंड अगर आपसे इंडिविजुअली कंट्री का पूछ लिया जाए तो हमारा टॉप इसमें गया
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर ने, फर्स्ट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए की है। जलियांवाला बाग मैसेकर, ये 13 अप्रैल को जो इंसिडेंस हुआ था, ओके 102 ईयर्स भी हो चुके हैं इसको, तो ये आप डेट याद रख लीजिएगा। ओके बी आर अम्बेडकर जयंती हमने ऑब्जर्व किया, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि इस बार पब्लिक हॉलीडे भी था, कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया, 14 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज इंडियन गवर्नमेंट ऑन अप्रैल 11th रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मेडिकल ड्रग, कोविड 19 सिचुएशन जब तक हमारा इम्प्रूव नहीं होता हम इस मेडिकल ड्रग को बाहर की कंट्रीज में अप्रूव नहीं करेंगे, बाहर नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। सो नेम ऑफ दिस ड्रग इज रेमडेसिविर। ओके हु हैज बीन कन्फर्ड विद नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर ऑनर, गुनीत मोंगा इज द करेक्ट आंसर। स्पुटनिक वी वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19, इसे इंडिया में एमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया, तो इसे कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रशिया इज द करेक्ट आंसर। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च रिवॉर्ड्स 1, 2, 3 सेविंग अकाउंट, डिफरेंट अवार्ड्स कैशबैक वगैरह मिलेगा। एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक कौन है ये आपने बताना, नुब्रता विश्वास इज द करेक्ट आंसर। द 10th मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्साइज शांतिर ओग्रोसेना, यह अभी रिसेंटली हुई है, कौन सी कंट्री में हुई है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया है, भूटान ने किया है, इंडिया ने भी किया है, तो यह अभी हुई कहाँ, बांग्लादेश में। हमारी सड़क तमीर तरक्की मोबाइल ऐप्स पर लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज, तो इसे स्टार्ट किया हमारी जम्मू एंड कश्मीर ने। ओके विच इंडियन ओरिजिन हैज बीन कन्फर्ड विद अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड फॉर द नोबल एंड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, यूसुफ अली एम ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट ऑथर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु हैज मेड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने हब्बा खातून की पोएट्री को रिक्रिएट किया, हर नेम इज सोलिहा शबीर। ओके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आउट ऑफ 3 out of 1000 प्रेग्नेंट वुमेन्स इन विच स्टेट आर टेस्टिंग कोविड 19 पॉजिटिव, नॉट कोविड 19 टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर HIV, द स्टेट इज मेघालय। इंडियाज डेप्ट बाय GDP रेशियो हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 74% टू 90% रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यू हैव टू आंसर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF, IMF के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B सुशील चंद्रा। विच हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रेक्टिफाई रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑलरेडी मार्क्ड सिंगापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस इज वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट लॉ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B न्यूजीलैंड। हु इनॉग्रेट ई संता एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर एक्वा फार्मर्स, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B पीयूष गोयल। इंटरनेशनल टर्बन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ग्लोबली, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C 13th अप्रैल। वर्ल्ड चगास डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D 14th अप्रैल। नेक्स्ट वन इज IR रहमान पास्ड अवे, ही वॉज विच कंट्रीज ह्यूमन राइट्स आइकन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाकिस्तान। हु हैज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A गुइलेर्मो लासो। हु हैज बीन कन्फर्ड विद सर रिचर्ड हैडली मेडल फॉर 4th टाइम, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज K.N. विलियमसन। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा रिसेंटली हिट विच कंट्री, कौन सी कंट्री को इसने हिट किया अभी,
ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर. हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन? अरुण कुमार इज द करेक्ट आंसर. संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु इसे लॉन्च किया गया बांग्लादेश में, यह आप ध्यान रख लीजिएगा, टू प्रमोट संस्कृत. विच स्टेट हैज प्लान टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड बिफोर मार्च 2022? सिक्किम इज द करेक्ट आंसर. हु वॉज रिसेंटली फैसिलिटेटेड बाय रीच, ए चेन्नई बेस्ड एनजीओ वर्किंग ऑन टीबी, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन? फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन एम एस स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर. नेम द इंडियन अमेरिकन गर्ल हु हैज सेट रिकॉर्ड फॉर रीडिंग 36 बुक्स कंटिन्यूसली फॉर 105 मिनट्स. शी इज ओनली 5 ईयर्स ओल्ड. हर नेम इज कायरा कौर. द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज स्टेटेड दैट ए चाइल्ड बॉर्न टू ए कपल इन लिव इन रिलेशनशिप विल बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड बॉर्न टू ए मैरिड कपल? सो ऐसे स्टेटमेंट कौन सी हाई कोर्ट ने दिया? केरल हाई कोर्ट. तालचेर थर्मल पावर प्लांट इज इन विच इंडियन स्टेट? उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इश्यूड द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इन द कंट्री? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गाजियाबाद. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर बैग्स टॉप अवार्ड एट नेशनल लेवल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च पोषण ज्ञान ए नेशनल डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नीति आयोग. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसके साथ ही है मिलके, एंड साथ में सेंटर फॉर सोशल बिहेवियर चेंज मिलके इन्होंने लॉन्च किया. विच एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? बेसिकली इसे लॉन्च किया 16 अप्रैल को, जिसका थीम है हैशटैग वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल. सो दिस वॉज द 6th एडिशन. योगेश प्रवीण पास्ड अवे, ही वॉज नोन एज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ एंड अवध. हिस्टोरियन थे ये. हिस्टोरियन इज द करेक्ट आंसर. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड लॉन्च्ड विच पेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? 75 सीरीज इज द करेक्ट आंसर. रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन द मेमोरी ऑफ विच फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज? दादी जानकी इज द करेक्ट आंसर. Recently, which movie has won Best Award for Film Best Film at 74th edition of British Academy Film Awards? The name of this movie is Nomadland. बाकी ये भी आपने याद रखना है, लीडिंग एक्टर, लीडिंग एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड एनिमेटेड फिल्म का नाम आपने याद रखना है. Who has won ICC Player of the Month Award? मार्च मंथ के ICC Player of the Month किसे दिया गया अवार्ड? भुवनेश्वर कुमार. एंड मूवेंस का अगर पूछ ले आपसे, आप लिजले ली ये साउथ अफ्रीका की हैं बैट्समैन. विच सिटी विल होस्ट लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021? सिविले ये स्पेनिश सिटी है, इसे होस्ट करेगा. लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट इन विच कंट्री? इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर. Okay, who has inaugurated first biannual Indian Air Force Air for IEF Commanders Conference? New Delhi ke Vayu Bhavan mein inaugurate kiya kisne? Rajnath Singh. Indian Army has celebrated which Sergeant's Day? Jaise humne 1984 with the help of Operation Meghdoot and Narendra Bull Singh ne kafi zyada madad ki thi. अभी हमने रिसेंटली 37th ऑब्जर्वेशन डे सेलिब्रेट किया, एंड वीडियो में मैंने आई थिंक 36 बोल दिया था बाय मिस्टेक. सो 37th साइचेंस डे हमने अभी सेलिब्रेट किया, वो आप ध्यान रख लीजिए. बलबीर सिंह जूनियर पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हॉकी इज द करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ न्यू मिशन हर क्रांति
टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, तो इसको लॉन्च किया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने. विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिस्टा, ए ई ट्रेडिंग कंपनी बेस्ड इन UAE. सुरेश रैना इज द करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 12th अप्रैल. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज्ड बाय EIU? हमारा जो रैंक रहा 49th पे, टॉप्ड बाय स्वीडन. ओके, रिसेंटली रविशंकर प्रसाद हैज लॉन्च ऑनलाइन ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट पोर्टल फॉर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. सो आपको बताना है इसके चेयरमैन कौन है. चेयरमैन इज विजय संपला. अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय IIT बॉम्बे, विच बैंक हैज कलेक्टेड 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट इन 5 ईयर्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. अमेजॉन हैज लॉन्च 250 मिलियन वेंचर फंड कॉल्ड अमेजॉन संभव वेंचर फंड. तो आपको ये बताना कि हु इज सपोज टू बिकम द न्यू CEO ऑफ अमेजॉन लेटर दिस ईयर? एंडी जैसी. कजाकिस्तान एंड विच कंट्री हैज लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉल्ड सेंट्रल एशिया? अदर कंट्रीज उज्बेकिस्तान. थेरेवाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड संगेन फेस्टिवल? दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज वाटर फेस्टिवल. अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विजय राघवन, इनके द्वारा मानस ऐप लॉन्च की गई. मानस ऐप स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, याद रख लीजिएगा. विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू फंड वैक्सीनेशन टू फॉर 2.5 लाख पीपल्स इन द लो एंड मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गूगल. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द US आर्मी? क्रिस्टाइन वॉरमुथ इज द करेक्ट आंसर. विच कंट्री हैज अनाउंस टू सेंड रोवर राशिद टू द मून इन द ईयर 2022? UAE is the correct answer. Who has become the first player in the IPL to hit 356s? Chris Gayle. Recently, GVG Krishnamurthy passed away. He was the former Chief Election Commissioner. So guys, with this, हमने full week current affair आपके revise करवाए. So इस part में मैंने नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया. आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके अराउंड 350 प्लस क्वेश्चन, अराउंड 400 क्वेश्चन तक आपके मंथली बन जाएंगे. वो सफिशेंट रहेंगे, क्योंकि फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें टॉप 100 क्वेश्चन दीजिए, टॉप 200 दीजिए. देखो गाइज, मैं कई बार ये चीज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 100 एंड 200 से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस टाइम काफ़ी कंपटीशन आप लोग जानते ही हो. तो इसीलिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है. इसी वजह से मैं संडे को जो स्पेशली रिजर्व रखता हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे वही बात हो जाएगी कि आगे दौड़ पीछे छोड़, वो हमने नहीं करना. सारी चीज़ों को साथ लेके चलना. सो दिस इज़ द रीज़न कि संडे का दिन आपने स्पेशली रिजर्व रखना है. हाफ एन आवर का वीडियो रहेगा संडे का, जिससे आपके फुल वीक करंट अफेयर. एक भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करता. ऐसा नहीं मैं करता कि सर आपको 30 क्वेश्चन ही दे देंगे, 40 क्वेश्चन दे देंगे. ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम इंक्लूडिंग इन दिस पार्ट. ओके, सो आई होप आपको पसंद आ रहे वीडियो. अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इसे शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है. सो गाइस, थैंक यू. PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. नेक्स्ट एग्जाम IQ सिंपली सर्च करके एंड इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए. थैंक यू एंड टेक केयर.